गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी निकालो, पेज नंबर 2, चैप्टर 1, नायरा। उसने अभ्यास 3 दिया हुआ है। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। यह गुजराती और हिंदी वर्णों दिए हैं, उन दोनों को पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो हमने ट तक लिखा था, अब आज स्टार्ट करते हैं ठ से। तो गुजराती में ठ आप ठ ठड़ियानो ठ, और हिंदी में ठ दिया है ठ ठठेरा का ठ। तो चलो बाजू में बुक में लिखो ठ ठड़ियानो ठ, और हिंदी में ठ ठठेरा का ठ। तो चलो लिखो। लिखा। चलो नेक्स्ट है ड ड डमरूनो ड। गुजराती में थे ड डमरूनो ड, और हिंदी में होगा ड डमरू का ड। तो चलो लिखो बुक में ड। चलो लिखा। फिर नेक्स्ट है ड ड ढगलानो ड। गुजराती में थे ड ढगलानो ड, और हिंदी में होगा ढ ढक्कन का ढ। तो लिखो ड। लिखा। चलो नेक्स्ट है त। तो गुजराती में होगा त तलवार का त, और हिंदी में होगा त तलवार का त। तो लिखो त।
लिखा फिर नेक्स्ट है थ, तो गुजराती में थ नु थसे थ थड़िया नो थ, और हिंदी में होगा थ थन का थ, तो लिखो थ। लिखा चलो फिर नेक्स्ट है ध, तो गुजराती में थे ध ध्वजा नो ध, और हिंदी में होगा ध धनुष का ध, तो लिखो। लिखा चलो फिर नेक्स्ट है ग, तो गुजराती में थे ग घर नो ग, और हिंदी में होगा ग घर का ग, लिखो। लिखा चलो नेक्स्ट है य, तो गुजराती में तो सही है यति नो य, और हिंदी में होगा यह यज्ञ का य, तो चलो लिखो य। चलो फिर नेक्स्ट है ह, तो गुजराती में थसे ह हरण नो ह, और हिंदी में होगा ह हल का ह, तो चलो लिखो ह।
ચલો ફિર નેક્સ્ટ હે છ, તો ગુજરાતીમાં થશે છ છત્રીનો છ, ઓર હિન્દી મેં હોગા છ છાતા કા છ. ચલો ફિર નેક્સ્ટ હે ત્ર, તો ગુજરાતીમાં થશે ત્ર ત્રિશુળ નો ત્ર, ઓર હિન્દી મેં હોગા ત્ર ત્રિશુલ કા ત્ર, તો લિખ લીજીએ ત્ર. ચલો ફિર નેક્સ્ટ હે રૂ, તો ગુજરાતીમાં થશે રૂ ઋષિનો રૂ, ઓર હિન્દી મેં હોગા રૂ ઋષિ કા રૂ. लिख दिया तो आपका होमवर्क क्या है, ठ से रू तक नोटबुक में लिखना है गुजराती और हिंदी दोनों में, दोनों वर्णों में, ठीक है, वो आपका होमवर्क है. थैंक यू.